आज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के भोपाली ब्लॉग्स। और आज हम आए इस्लाम नगर के किला, जिसको चमन महल के नाम से जाना जाता है। पीपल के पेड़ों से जुड़े कितने ही किस्से हमने सुन रखे हैं, लेकिन भारत के इतिहास में भोपाल के नज़दीक बसा इस्लाम नगर 250 साल पुराने मुगल सभ्यता के फूलों से आज भी महक रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है कि खंडर हो चुकी ये इमारत आज भी सैकड़ों साल पुराने गार्डन से घिरी हुई है। 17वीं और 18वीं सदी में भोपाल शाही राज्य की राजधानी रहे इस्लाम नगर की दीवारें अब धड़कने लगी हैं, लेकिन यहाँ के गार्डन में आज भी फूल खिलते हैं। बेरसिया रोड पर स्थित इस्लाम नगर का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस्लाम नगर का मूल नाम जगदीशपुर था, जहां एक समय में राजपूतों का शासन हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में अफगान कमांडर दोस्त मोहम्मद खान यहां आए और इस कस्बे को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने इसका नाम इस्लाम नगर रखा। दोस्त मोहम्मद ने भोपाल शाही राज्य की स्थापना की और इस्लाम नगर को उसकी राजधानी बनाया। इस्लाम नगर में राजपूत, मालवा शैली और मुगल सभ्यता का सम्मिश्रण साफ दिखाई देता है। महलों के निर्माण की शैली हो या उद्यानों के बनाने का तरीका, यहाँ तक कि फूल और पेड़ों का चुनाव भी शासकों ने अपने ढंग से किया था। इस्लाम नगर में चमन महल, रानी महल, गोड़ महल, शाही हमाम तथा मुगलों की चारबाग शैली में निर्मित मुगल गार्डन बेहद खूबसूरत है। इस्लाम नगर में चारबाग शैली में बना मुगल उद्यान नायाब है। इतिहासकार अहमद सिद्दीकी बताते हैं कि हैदराबाद के बाद भोपाल ही इस्लाम बाहुल क्षेत्र था, इसलिए चारबाग शैली के ज़्यादातर उद्यान या तो हैदराबाद और उसके आसपास हैं या फिर भोपाल के इस्लाम नगर में हैं। यहाँ ज्यामितीय आकार के विन्यास में फल और फूलों के वृक्ष लगाए गए हैं। संतुलित और व्यवस्थित भूखंडों में फूलदार झाड़ियाँ लगाई गईं। इस्लाम नगर के चारबाग की तुलना कश्मीर के मुगल बाग से किया जाना अतिशयोक्ति नहीं है। निशांत बाग, शालीमार, चश्मा शाही, वेरीनाग और अच्छावल उद्यान भी इस्लाम नगर के चारबाग की तर्ज पर तैयार किए गए। शासकों के बनाए महलों में शीश महल सबसे खास होता है। इस्लाम नगर के शीश महल में 12 दरवाजे हैं। मालवा और मुगल शैली को मिलाकर शीश महल का डिज़ाइन तैयार किया गया है। इतिहासकार अहमद सिद्दीकी बताते हैं कि शीश महल को वास्तुशिल्प के आधार पर तैयार किया गया था। यहाँ की शीशों पर भी फूलदार नक्काशी की गई है। गाइस, हम चमन महल घूम चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।